टुडे वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्लांट्स. सबसे पहले प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग. लिविंग क्योंकि प्लांट्स कैन टेक ऑक्सीजन एंड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं. लिविंग क्यों हैं वो? ऑक्सीजन वगैरह की बात तो बाद में आएगी, पहले क्योंकि प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो जो भी ऐसी चीज़ जो ग्रो होती है, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, तो ये वाली सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं जो ग्रो होती हैं, उनको बोला जाता है लिविंग थिंग्स. तो क्या ये चेयर, टेबल, बुक, दीज आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स? इफ आई से चेयर, टेबल, नॉन लिविंग, क्योंकि क्या ये ग्रो होती हैं? बड़ी 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 हो जाएंगी इसकी हाइट, नहीं, या ऐसे मोटा हो जाएगा ये बैठा बैठा? नो. सो दीज आर नॉन लिविंग. जो चीज़ ग्रो हो रही है वो लिविंग, जो ग्रो नहीं हो रही वो नॉन लिविंग. ठीक है, अब प्लांट्स भी हमारे हैं लिविंग थिंग्स. अब हमने पहला पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स कौन कौन सी तरह के होते हैं. ठीक है, तो हमने कितने टाइप ऑफ प्लांट्स पढ़ने हैं? फाइव. ओके, नंबर वन, सबसे पहले वील स्टडी ट्रीज. तो ट्रीज क्या होते हैं? व्हेन स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स क्या हो जाएंगे? बिग एंड टॉल. बिग हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? ट्रीज. ठीक है, जैसे हमारे आसपास बहुत सारे ट्रीज हैं, नीम ट्री, मैंगो ट्री, बाहर बाहर भी लगे हुए हैं ट्रीज. ठीक है, अब ये ट्रीज की खास बात क्या होती है कि इनकी होती है ट्रंक. व्हाट इज ट्रंक? थिक वुडी स्टेम. हाँ, जो ट्री की थिक और वुडी स्टेम होती है उसको बोला जाता है ट्रंक. देखो स्टेम है, बट जब वो छोटा था तब वो प्लांट था. जैसे जैसे प्लांट बड़ा हुआ, जो उसकी स्टेम थी, नीचे वाला पार्ट था, वो मोटा हो गया और ब्राउन हो गया, वुड जैसा हो गया, उसको बोला जाता है ट्रंक. ठीक है, सेकंड हमने पढ़ना है श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? व्हाट आर श्रब्स? श्रब्स होते हैं वो वाले प्लांट्स विच हैव थिन वुडी स्टेम. देखो उनकी स्टेम पतली है, थिन है, वुडी है. ठीक है, पतली है बट वुडी स्टेम है. जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रोज प्लांट या फिर तुलसी का प्लांट. तो जो भी ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम थोड़ी सी वुड की तरह होती है, ऐसा मोटा ट्रंक की तरह नहीं बन जाती, बट वुड की तरह होती है. जैसे लेट्स सी द रोज प्लांट, लाइक दिस रोज प्लांट. दिस इज़ अ रोज प्लांट. ये रोज का फ्लावर है, देखो. ठीक है, इसकी स्टेम देखो, ये वाली, दिस स्टेम, क्या ये बहुत पतली है? No. बहुत पतली भी नहीं है, बहुत मोटी भी नहीं है. ठीक है, बट ये वुड जैसी है. ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे हाथ लगाएंगे और ये टूट जाएगी. ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम मोटी वुड की तरह होती है, बहुत मोटी नहीं होती, वुड की तरह होती है, थिन होती है बट वुड की तरह होती है, उसको क्या बोला जाता है? ये वाले प्लांट को क्या बोलेंगे हम? रोज. रोज तो है, कौन सी कैटेगरी में आता है? क्या ये ट्री है? श्रब्स. अब ये वाला क्या है? दिस ट्री, बिकॉज इट हैज़ अ थिक स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम. इसकी स्टेम बहुत वुडी होगी और स्ट्रॉन्ग होगी, ये नहीं कि हम हाथ लगाएंगे टूट जाएगी. ठीक है, इज अ तुलसी प्लांट. अब देखो इसकी भी स्टेम कैसी है? थिन है बट वुडी है. ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे हाथ लगाऊंगी तो ये टूट जाएगी हाथ लगाने से. तो ये वाला प्लांट भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? श्रब में. तो हमने कौन से श्रब के दो एग्जांपल पढ़े? वो दो श्रब्स बताओ, नेम टू श्रब्स. पहला कौन सा? रोज एंड सेकंड इज, ये कौन सा प्लांट है? तुलसी. तुलसी इज आल्सो अ श्रब. ठीक है,
तो हमने कर लिया रोज एंड तुलसी श्रब्स हो गए, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आ गई हर्ब्स। हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं जिनकी थिन और वीक स्टेम होती है और ग्रीन स्टेम होती है, मतलब ऐसी स्टेम होती है इतनी वीक कि हम उसको हाथ लगाएं तो वो टूट ही जाएगी, जैसे कि ये दिख रहा है, जैसे कितनी वीक स्टेम है, ऐसी स्टेम क्या हुई ये वाली ग्रीन, तो ये इतनी वीक है कि अगर मैं ऐसे जोर से पेन भी लगाऊंगी तो ये वहीं पे टूट जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ हर्ब, ये देखो कितनी वीक स्टेम्स है इनकी, देख रहे हो। तो हर्ब का एक एग्जांपल क्या हो गया, अब जैसे ये हमने धनिया लगाया हुआ है तो दिस इज कोरिएंडर, या फिर जो हम पुदीना खाते हैं पुदीने की चटनी, ठीक है, मिंट, ये सब हो गए हमारे हर्ब्स के एग्जांपल। तो हमने कर लिया 1, 2 and 3 ट्री श्रब्स एंड हर्ब्स। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, हाँ वो फिफ्थ होएगा। क्लाइंबर्स कौन से हो गए, क्लाइंब, क्लाइंब से पता चल रहा है, क्लाइंब मतलब ये नहीं कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, जंप कर रहा है, दैट डजंट मीन दैट। क्लाइंबर मीन्स कि जो प्लांट ग्रो होता है उसको क्लाइंब करना बोलते हैं। तो जो प्लांट्स अपने आप क्लाइंब नहीं कर सकते उनको सपोर्ट चाहिए क्लाइंब करने के लिए, उसको बोला जाता है क्लाइंबर्स। मतलब क्लाइंबर क्यों नाम पड़ा, कि दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, इसीलिए। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, मनी प्लांट, मनी प्लांट। तो आ जाओ मनी प्लांट देखते हैं। तो सी दिस इज द मनी प्लांट, एक तो ये कहाँ से आ रहा है देखो, ये इसकी स्टेम यहाँ से आ रही है, ये ठीक है, यहाँ से। अब देखो हमने इसको सपोर्ट नहीं दी ना, तो ये नीचे नीचे गिरा पड़ा है। तो इस प्लांट को हमको क्या करना चाहिए था, इसको यहाँ से, अब इसकी स्टेम देखो, इसकी रूट्स ना नीचे ही मिट्टी में दबकी हैं, तो हमको यहाँ से पकड़ के, ये इसकी स्टेम है ना ये वाली, यहाँ भी ये देखो पूरा ये लंबा नीचे ही ग्रो हो गया, सी है ना। तो इसको क्यों हो गया नीचे 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 क्यों ग्रो हो जा रहा है, क्यों गिर रहा है, सपोर्ट नहीं दी। तो हमको इसको ऐसे करके या तो यहाँ डंडा लगाना पड़ेगा विद अ स्टिक, या फिर हमको कोई रस्सी बांधनी पड़ेगी के ऊपर, हम किसी के साथ रस्सी बांध दे ताकि ये ऊपर ऊपर को ग्रो हो। अगर नहीं ग्रो करा देखो गिर रहा है, अगर इसको स्टेम नहीं दी तो ये ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप इसको सपोर्ट नहीं दोगे तो ये ग्रो नहीं होगा, ग्रो हो रहा है। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे लगा हुआ था, इधर इधर से इधर से इधर से ग्रो होता होता वहाँ तक पहुँच गया इतना लंबा, ठीक है। अगर इसको स्टेम दी हो तो ये ऐसे ग्रो होगा लाइक अ स्टिक, है ना, इट विल लुक मोर गुड, ठीक है। सो दिस प्लांट इज कॉल्ड अ, दिस प्लांट इज कॉल्ड अ मनी प्लांट। मनी प्लांट विच कैटेगरी, इज इट अ ट्री, हर्ब, श्रब, वॉट? क्लाइंबर। क्लाइंबर, गॉट इट। नेक्स्ट फिफ्थ क्या आएगा, फिफ्थ इज क्रीपर, क्रीपर्स। क्रीपर्स, क्रीप का क्या मतलब होता है, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, होल्ड इट, रेंगना, क्रीप का मतलब रेंगना, जैसे कि सांप रेंगता है, स्नेक क्रॉल्स या क्रीप्स, ठीक है, इसीलिए इन प्लांट्स का नाम रखा गया है क्रीपर्स। क्रीपर्स, क्रीपर्स कौन से प्लांट होते हैं, जो ये देखो जैसे ये क्रीपर है, दिस हटो, दिस प्लांट हेयर, ठीक है, दिस इज अ क्रीपर, कि ये ग्राउंड के साथ साथ ही क्रीप करता रहेगा, इट क्रीप्स अलोंग द, ठीक है, ये ग्राउंड के साथ साथ ही उग रहा है, और ये बहुत ही वीक स्टेम होती है इसकी। क्रीपर किससे याद रखना है हमने, क्रीप से, क्रीप, क्रीप का मतलब क्या होता है, क्रॉल करना, जैसे कि स्नेक या लिजर्ड क्रॉल करती हैं, ठीक है, क्रीप करती हैं। तो क्रीपर्स का एग्जांपल क्या है, हमने कैसे याद रखना है कि क्रीपर वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत मोटे मोटे फ्रूट्स होंगे, बड़े बड़े, जैसे कि एग्जांपल पम्पकिन, पम्पकिन मतलब पेठा जो हम खाते हैं। तो अगर सोचो कि वो पेठा कभी पेड़ पे लगा होता, पेड़ पे लटकते होते इतने बड़े बड़े, और कोई उसके नीचे बैठ जाए छाँव लेने के लिए, शेड लेने के लिए, तो क्या होगा, ऊपर से पेठा गिर जाएगा, गिर सकता है, पम्पकिन गिर सकता है,
एंड इट कैन हार्म यू। तो आपने ये याद रखने के लिए, ये कंसेप्ट याद रखना है कि क्रीपर्स वो वाले प्लांट्स का नाम है जिनके फ्रूट्स बहुत मोटू मोटू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन इज पम्पकिन, सेकेंड इज वाटरमेलन। वाटरमेलन भी बहुत मोटू होता है। तो अगर वो ट्री पे लगा होता और मैं ट्री के नीचे बैठ जाऊँ थक के शेड लेने के लिए और वो मेरे सिर पे आके गिरे तो क्या मेरा सिर बच जाएगा? चोट लगेगी ना कुछ तो। तो इससे और हमने क्रीपर्स का क्या एक चीज़ और याद रखनी है, दैट दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ साथ ऐसे ऐसे ग्रो होते, ऊपर की तरफ ग्रो नहीं होते। आ गया। तो वी हैव डन 5 types of plants। नंबर 1 ट्रीज, जो बहुत मोटे और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनकी ट्रंक होती है। नंबर 2 श्रब्स, जिनकी स्टेम कैसी होती है, थिन होती है बट वो वुडी होती है। हमने क्या एग्जाम्पल्स देखे उसके, क्या अभी हमने बाहर देखे कौन कौन से प्लांट्स श्रब्स होते हैं, नेम बताओ। फ्लावर। बेटा कौन से प्लांट्स के नेम्स बताओ जो श्रब्स होते हैं? रोज एंड गाने नहीं गाने रोज एंड एंड तुलसी। नेक्स्ट हर्ब्स। हर्ब्स की भी स्टेम बहुत ही थिन होती है बट ये वीक होती है। देखो दोनों में स्टेम वर्ड यूज हुए, ये थिन है ये भी थिन है, बट ये वुडी है ये वीक है और ये ग्रीन है। ठीक है। तो और ये आसानी से टूट जाती है, इतनी वीक है कि आसानी से टूट जाएगी। जैसे कि अभी हमने प्लांट देखा था धनिया का, कोरिएंडर, और दूसरा क्या हो सकता है, मिंट, पुदीना। नेक्स्ट हमने देखा क्लाइंबर्स। क्लाइंबर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसको क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट चाहिए। उसका एग्जाम्पल है मनी प्लांट, हमने देखा अभी। फिर लास्ट हमने किया क्रीपर्स। क्रीपर वर्ड मतलब रेंगना, क्रॉल करना। तो क्रीपर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्रीप करते हैं ग्राउंड पे ही। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। एग्जाम्पल इज पम्पकिन एंड वाटरमेलन। द कंसेप्ट इज क्लियर? भूलेगा तो नहीं? No.